बल्कि उसको निभाया भी। बहुत बहुत शुक्रिया ये ब्रदर्स, थैंक यू सो मच, और तमाम वो सारी जनता जो यहाँ पे मौजूद है सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। इतनी उमस, इतनी गर्मी और इन सब के बीच में भी आप उपस्थित हैं, क्या बात है। आप भी मुझे मालूम है डिजिटल फॉर्मेट है ना, क्या बात है। क्या नाम है आपका? अमित, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इसके बाद यहाँ आते हैं और डिजिटल फॉर्मेट पे बहुत सारे लोग तमाम तरह की प्रोग्राम, तमाम तरह की बात। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब थोड़ी बस कसर रह गई है, जामुन का पेड़ है उसी पे चढ़ के बैठने वाले हैं लोग। यहाँ तक तो भर गया, पीछे तक जामुन का पेड़ फूल आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को आज शुरू करेंगे। मुद्दा कुछ भी हो लेकिन आपका अपना भी मुद्दा होना चाहिए, आपकी अपनी भी बात होनी चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म और ये प्रोग्राम वही है जिसमें आपकी अपनी बात कोई रखी जा सकती है। आप मत कोशिश करिए कि जो मेरे पास लिखा है उसी पर बात करें, आप अपनी बात कहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नमस्ते, मुझे पता था, आपको पता था कि यही आने वाले हैं। इन्होंने क्या बोला? अभी तुरंत यही बोल रहा है, पीछे हट जाओ नहीं तो आपसे बात कर। बोला हट जाइए पीछे नहीं तो अभी ये तुरंत आने वाले हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसलिए आता हूं कि महिलाएं, लड़कियां, औरतें जो आती हैं वो पीछे बिचारी रह जाती है, लोग आगे आने नहीं देते उनको। मैं इसलिए जरूर पूछता हूं उनसे कि क्या बात है, कैसे आए हैं। घूमने का मौका लगे तो मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग आए प्रोग्राम में शरीक। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी कहाँ, यहीं से रहने वाली है दिल्ली की? नहीं, पटना से मैं आई। पटना से आई है तो यहाँ पे आए तो खरीदारी हो गई? नहीं सर, अभी खरीदारी तो नहीं हुई, बस घूमने के लिए। हाँ हाँ, तो ठीक है, जब तक मन हो। पानी वानी पिया आपने कि नहीं पिया? अरे काम करिए, मेरे पास से एक मास्क ले लीजिए, है मिला है तो वह लगा लीजिए उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आया आपसे, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, बस आज तो उत्तराखंड की ही बात होने वाली है, बात तो उत्तराखंड से ही होने वाली है। और उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन्होंने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई है, उसके पॉइंट्स दिए हैं। समान नागरिक संहिता मतलब ये कि सारे लोगों को एक तरह के अधिकार, शादी से हो, तलाक से हो, या तमाम उत्तराधिकार से हो, संपत्ति पे बंटवारे को लेकर हो। ये बहुत पुराना और कहना चाहिए संविधान में इसको कहा गया था, जब ड्राफ्ट हो रहा था, कमेटी बनी थी, जब संविधान बना उस समय भी ये था, अनुच्छेद 44 का जिक्र है उसमें, जिसके तहत ये बात आती है कि समान, सारे लोगों को समान अधिकार होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं इसका और उसको कहते हैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, उन तमाम सारे बिंदु पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, आज तो बात होनी चाहिए जो आपकी अपनी बात हो, मैं पहले वही पूछूंगा। जी, उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? हल्द्वानी। हल्द्वानी, वहाँ तो खैर थोड़ी इतनी गर्म है, इतना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा गर्म है। सेम है ना, हल्द्वानी तो सेम हो गया। नैनीताल में भी इस वक्त गर्मी है। नैनीताल में भी गर्मी है, मैं सोच रहा था इधर नैनीताल चलता या उधर मसूरी की तरफ आता, शो करता, थोड़ा गर्मी ज्यादा है यहाँ, लेकिन ऐसा ही है सब। एसी चल रहे हैं अब। एसी चल रहे हैं नैनीताल में, आप यकीन मानिए हम अलार्म है ये, और ये पिछले 15-20 सालों का खेल है कि नैनीताल में एसी चल रहे हैं। हम सारे लोग बहुत बहुत अलार्मिंग स्टेज पर हैं, निश्चित तौर से इस बात करनी चाहिए, इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। और मैं तो इनवाइट करता हूं बहुत सारे लोगों को, आपको और आपको, कि ये प्लेटफॉर्म आपका है, इस पर जरूर बोलिए आके कि नैनीताल में जब एसी चलने लगे, मसूरी में जब एसी चलने लगे, तो आप सोचिए कि वे कहां पहुंच गए। जी, हम लोग जाते थे तो वहाँ पंखे भी नहीं होते थे, वो लकड़ी के। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ। हम लोग को मतलब एसी वहाँ पता ही नहीं था नैनीताल में। एग्जैक्टली, देयर वाज नो एसी, इवन नॉट फैन वाज देयर, फैन भी नहीं थे। हाँ। वो लकड़ी के थे कि गर्म रहे। हाँ। और अब तो एसी हवा भी नहीं थी ठंडी वहाँ पे, हवा भी नहीं ठंडी है। मैं पानी पिया आपने? नहीं, है पानी। पानी है, किसके साथ आई है? मैं अभी तो अकेले हूँ। अकेले आए, बहुत अच्छी बात है, जब तक मन करे प्रोग्राम देखिएगा। और ये आपने बात इसलिए उठाई और मेरे लिए, मेरे दिल का करीब है ये मुद्दा। मुझे खुद हैरानी हुई थी, लास्ट वीक नैनीताल गई, मुझे लगा यार ठंडी हवा कहाँ चली गई यहाँ की। हाँ, ठंडी हवा चली गई है, अब गायब हो गई है जब नैनीताल में। हाँ, मैं आ रहा हूँ, रुकिए, देख क्या रहे, करिए कुछ, हम ही के साथ करवाएंगे सारा काम, सारे काम हम ही से करवाइए। आप सिर्फ गाइए आके, जब भी आए आप गाने के लिए आए बस, और आपसे कुछ नहीं देखा जाता। मैंने देख लिया, आपसे ज्यादा आंखें दो नहीं है मेरे पास, इधर दो, इधर है दो, इधर है दो, इधर है, सब देखता हूं मैं। जी बाबू जी, कैसे हैं आप? आ गया ये, क्या नाम है आपका? प्रहलाद चौधरी नाम है। राजा साहब कहाँ से आए हैं? मैं यही सर्विस करता हूँ CSIR में। जी जी, और डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। ना देखिए, एनवायरमेंट पे बात हो रही है। हाँ। कितनी गर्म है, कितनी उमस है, और इस सबके बीच में हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो नैनीताल पे कह रही है जना एसी चलने लगे। हाँ।
ऑफकोर्स ये बहुत अलार्मिंग स्टेज है और इस पर बात करनी चाहिए, जरूर बात होनी चाहिए, लेकिन अभी बात तो किसी और चीज पर होगी। और लोग कह रहे हैं कि इस समय इसको क्यों उठाने की जरूरत है, समान नागरिक संहिता क्यों उठाने की जरूरत है, इसी वक्त क्यों बात करने की जरूरत है और इसकी क्या जरूरत है। ये तमाम सारे बिंदु है, तमाम सारे सवाल हैं जिसको कि लोग पूछ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये क्या समय सही है जिस समय समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, आखिर इसके पीछे क्या है। तो ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो मैं जरूर उसका स्वागत कर लेंगे। जी लगता तो नहीं है लेकिन हाँ चलिए, क्या नाम है साहब? विश्वास बंसल। विश्वास बंसल ऐसे ही बात करते हैं हाथ जेब में डाल के? अच्छा हाँ, नहीं नहीं मैंने कहा कोई स्टाइल होगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं, अगर बंसल साहब कोई स्टाइल है तो उसमें ऐसे ही रखिए, एटिकेट्स में है ना, तो उसमें नहीं आता है ये कि जेब में डाले हाथ खड़े हैं, जो आपने कहा ना बंसल साहब एटिकेट मैनर्स, उसमें ये नहीं आता कि जेब में हाथ दोनों डाल के। हाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, बड़े काम के आदमी हो तुम तो, डिजिटल मार्केटिंग के आदमी है तो क्या अभी किस तरह प्लेटफॉर्म में कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हो? अभी फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा हूँ मैं। फ्रीलांसिंग पे कर? हाँ जी। अच्छा क्या किया है तुमने? अभी मैंने 4 वेबसाइट डेवलपमेंट की अपनी। 4 डेवलप अपनी की है? हाँ जी। बहुत अच्छा है। और मतलब उसमें कितना खर्चा आया? उसमें मेरा लगभग 15,000 रुपए पर कोस्ट पड़ी वेबसाइट की। अच्छा 15,000 रुपए पर वेबसाइट पे पड़ा और 4 बनाई आपने? हाँ जी। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा बात, 60,000 रुपए खर्च किया। हाँ जी। तो बंसल साहब इस 60,000 का कितना निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, क्या करोगे? मैंने अपने जेवर में मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है उस पर बनाई, राधा माधव एरो सिटी के नाम से एक। हाँ। प्रॉपर्टी हब के नाम से और एक ग्राफिक डिजाइन की नाइट आउल कंपनी की, 3 वेबसाइट बनाई, उनसे मैंने पे कराया। अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो कुछ कहना चाहते हो आज? सर बस मैं तो आपका शो देखने आया था इसलिए बहुत खुश हूँ। बंसल साहब अगर कुछ और भी बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुद अपना कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे ही करिए। और मैं तो कह रहा हूँ 2-4-5-10 दिन बाद 15 दिन बाद आए जब यहाँ पे, तो कोई मुद्दा हो कोई बात हो तो जरूर कहिएगा, है ना? बिल्कुल। और ये आप गिटार बजाते हैं? सर ये म्यूजिशियन है मेरा दोस्त है रोहित शर्मा। हाँ, ये म्यूजिशियन है? हाँ जी। अच्छा ये ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम करता है, साथ में हम दोनों की टीम है। बहुत अच्छी बात है, साथ में ऐसी टीम बनाओ और एक दिन टीम बना के यहाँ पे आओ और गाओ भी और बात भी करो, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हाँ जी मैंने देख लिया था, मैं कोने में खड़ा था, आइए पास आइए। क्या नाम है साहब? आदित्य श्रीवास्तव नाम है सर, मैं आपके शो में एक दिन खत्म किया था आपका शो, आज शुरू करता हूँ आपके टॉपिक के साथ। क्या बात है, एक दिन खत्म किया था आपने? आपने बोला था कि नेक्स्ट डे आपके साथ शुरुआत होगी, पर मैं आ नहीं पाया, आप शायद भूल भी गए होंगे, लेकिन मैं आ नहीं पाया। वैसे तो मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और एक जमाने में तो मैं कोई 2 साल बाद भी आता तो पहचान लेता, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया, अब मेरी उम्र हो गई थोड़ा बहुत। लेकिन बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आज जैसे सारे बैठे हैं ना, वही वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो यही कहना चाहता है कि ऐसे ही सारे धर्मों को ना, सारे रिलीजन्स को एक साथ ऐसे ही बैठा दिया जाए, हम भी वही चाहते हैं, विपक्ष भी वही चाहता है, हम तो चाह रहे हैं कि आप, मैं विपक्ष से ये कहना चाहता हूँ, आप बीजेपी के पास से वो मुद्दा हटा लो, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा ही हटा लो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाओ, हिंदू मुस्लिम खत्म, सारा ये जो हिंदू वाला लॉ है अलग से, मुस्लिम वाला लॉ है अलग से, सब खत्म हो जाएगा। आप विपक्ष, आप बीजेपी को मुद्दा दे रहे हो, मैं तो चाह रहा हूँ, मैं विपक्ष के साथ हूँ कि आप कोई तो मुद्दा उठाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य श्रीवास्तव नाम है। आदित्य श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज गजब है भाई, प्रयागराज वो जगह है, आदित्य ध्यान से सुनिएगा, प्रयागराज वो जगह है सब लोग जानते हैं, वहाँ पे 2 नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? एक गंगा एक यमुना, ये वो लोग हैं जो तीसरी भी बताते हैं वो दिखती नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया मानता है कि ये प्रयागराज वाले बता देते हैं, तो इतने काबिल लोग हैं।